हेलो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट साइंसेस, मतलब कि एवरीडे साइंस, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएससी में जो एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज आते हैं, एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। तो आज हम एवरीडे साइंस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जितने भी एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, हमने सबको डिस्कस करना है इंशाल्लाह। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम डेली इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इन्फो फैक्ट्री 24, तो अभी से सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं। फेलोजी इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को साइंस में फेलोजी कहते हैं। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनाटॉमी साइंस की कैसी ब्रांच है जिसके स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट, यानी पौधों और जानवरों के स्ट्रक्चर को बयान करने को एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वैक इज़ नॉन एज, ठीक है। हमारी ज़मीन के ऊपर जितने भी जलजले वगैरह आते हैं, उनकी पैमाइश, उनकी स्टडी करने को सेस्मोलॉजी कहते हैं। एकोलॉजी डील्स विद रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जितने भी जानदार हैं और उनके माहौल का मुतालिया जो है, उसको एकोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ वेदर। महकमा मौसमियात जैसे है, मौसमों की स्टडी को मेट्रोलॉजी कहते हैं। ऑनकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर जो है, जो डिज़ीज़ है, बीमारी है कैंसर, उसकी स्टडी को ऑनकोलॉजी का नाम दिया गया है साइंस में। स्टडी ऑफ लाइफ इज़ आउटर स्पेस इज़ नाउन एज एक्सोबायोलॉजी। न्यूमिस्मेटिक इज़ द स्टडी ऑफ कोइंस। कोइंस जो सिक्के हैं, उनकी स्टडी को ये नाम दिया गया है। एग्विनेक्स इज़ द स्टडी ऑफ पीपल ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय यूनियन के जितने भी पीपल हैं, उनकी स्टडी को जो साइंस में नाम दिया गया है, एग्विनेक्स का नाम दिया गया है। और ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। परिंदों की जो है स्टडी को साइंस में ऑर्निथोलॉजी का नाम दिया गया है। एंटोमोलॉजी डील्स विद इंसेक्ट्स। जितने भी हशरात हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उनकी मुताले को एंटोमोलॉजी का नाम दिया गया है। उसके बाद हमारा 12 क्वेश्चन नंबर है। एपिडेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एपिडेमिक डिजीज़। जितने भी एपिडेमिक डिजीज़ होती हैं, उनकी स्टडी को ये नाम दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। जितने भी फ्रूट हैं और बीज हैं, उनकी स्टडी को कार्पोलॉजी का नाम दिया गया है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ कल्चर एंड प्रिमिटिव पीपल कॉल्ड एथोलॉजी। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इट्स ओरिजिन, नेचर, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन इज़ कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स इज़ कॉल्ड इकोस्टिक्स, यानी कि आवाज़ और आवाज़ की लहरों को का जो मुताला है वो कॉस्टिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन बॉडीज़ इन मोशन इज़ द एयर इज़ कॉल्ड एरोडायनामिक्स। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड फिजिकल एंड द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। द साइंस ऑफ हेवनली बॉडी इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। The study of structure and the formation of rocks and minerals on other plants is called astrology. The physics of the vital processes of living organism is called biophysics. The study of geographical areas, plants and animal distributions is called chronology. A branch of biology dealing with structure and function of cell is called बायोलॉजी। की वो शाख जो सेल के मुतल्लक उसकी फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर को बयान करे, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद स्किन इज़ कॉल्ड मेडिकल। की ऐसी ब्रांच, ऐसी शाख जो स्किन के रिलेटेड हो, स्किन की स्टडी के रिलेटेड हो, उसको कहते हैं डर्माटोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू।